लाइफ में सबके उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आए है उसको सीधा टनल तक छोड़ के आने का, ठीक है। मौत मुकम्मल में डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं। बटालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। ये 2021 में लिखा था मैंने और ये 2024 में भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। मैं स्टेडियम बेचना चाहता हूं, मैं बेचना चाहता हूं स्टेडियम, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया ना, मेरे को लगता है बहुत दिन भी दूर दिए। लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं, लाइफ में सबके उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आए है उसको सीधा टनल तक छोड़ के आने का, ठीक है। प्रॉब्लम्स को टनल तक छोड़ के आओ और लाला कि बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर नींद को आग लगाई है। मेरी उम्र के दे जाते जिसे पढ़ रहे, मैंने किताब वो घर के चूल्हे में जलाई है। पैसे तो कोई भी कमा लेगा, मैंने लाखों चेहरों की हंसी कमाई है। शानू सर, जितेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी ऑडियंस से इतना क्लोजली मिलने का मौका देने के लिए, और इतने ये मुश्किल था ऑर्गेनाइज करना, इन्होंने मेरे लिए ये चीज ऑर्गेनाइज करी क्योंकि मैं फैंस से ऑडियंस से मिलना चाहता था। तो जोरदार दो आवेजी खड़ा है। मैं शायरी मैं बिल्कुल शायरियां सुनाऊंगा तुम्हारे को। तुम लोग मेरे लिए 3 घंटा वेट किए, 4 घंटा वेट किए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह से आया बोलकर मैं सबके साथ फोटो खिंचाऊंगा। शर्मानी का लगो, लेकिन जिंदगी में प्रॉमिस करता हूं हम कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, और मैंने वादा किया ना, मैंने वादा किया एक, किसी को पता है, याद है कि मौत मुकम्मल में डरने वाला नहीं हूं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूं। वो तालियों से जब तक भरना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं हूं। ये 2021 में लिखा था मैंने और ये 2024 में भी पूरा नहीं हुआ अभी तक। मैं स्टेडियम बेचना चाहता हूं, मैं बेचना चाहता हूं स्टेडियम, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना, मेरे को लगता है वो दिन भी दूर नहीं है। और रही बात जितनी भी, देखो लाइफ में सबके उतार चढ़ाव आते हैं, अब ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज, सब लोग एक बार शांत हो जाओ, मैं बहुत बहुत काम की बात बोलने वाला हूँ। प्लीज पीछे आवाज थोड़ा कम कर लो। लाइफ में सबके
उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आपकी लाइफ में आप कभी भी कोई प्रॉब्लम आए है उसको सीधा टनल तक छोड़ के आने का, ठीक है? प्रॉब्लम्स को टनल तक छोड़ के आओ और लाला ये प्यार जो आप लोग हैं, ये प्यार के लिए मैंने कुछ चार लाइनें लिखी है, सुनेंगे? एक बार जोर से आवाज करो, अरे मैं तो शायरी बोले, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, शायरी सुनाओगे? नहीं, कि बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, बचपन के उस गरीब बच्चे से शर्त लगाई है, मैंने ख्वाब की खातिर नींद को आग लगाई है, मेरी उम्र के थे जाते जिसे पढ़ने, मैंने किताब वो घर के चूल्हे में जलाई है, पैसे तो कोई भी कमा लेगा, मैंने लाखों चेहरों की हंसी कमाई है। और शानू सर, जितेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी ऑडियंस से इतना क्लोजली मिलने का मौका देने के लिए, और इतने ये मुश्किल था ऑर्गेनाइज करना, इन्होंने मेरे लिए ये चीज ऑर्गेनाइज करी, क्योंकि मैं फैन से ऑडियंस से मिलना चाहता था। तो मैं चाहता हूँ एक बार सब लोग, सुनो सुनो, अरे सुनो, मेरे को बहुत बातें कर दी तुमसे, तो मैं एक चीज बता दूं तुम्हारे को, मैं जब बोलता हूं आप लोगों को कि इन सब चीजों से दूर रहो, मैं बोलना चाहूंगा, म्यूजिक पसंद है घुस जाओ पूरा अंदर, आपको अगर डॉक्टर बनना है पूरी मेहनत लगा लो, मैंने ट्राई किया है भाई, जो कर रहा है ना अगर वो थान के बैठ जाओ ना तो वो सपना पूरा होता है। तुम यहाँ पे जितने भी लोग हो ना, मेहनत करके इधर खड़े हो सकते हो, और उतनी मेहनत करना, और एक शायरी तुम्हारे लिए सुनेंगे, और यहाँ पे जितनी मेरी माए बहने आई हुई है, जाते वक्त सारे लड़के ख्याल रखे कि इन लोगों से दूर दूर रहकर इन लोगों को हिफाजत से निकाले, ठीक है? जितने भी लड़के यहाँ पे हैं, जो भी माए बहने आई है, वो लोग सेफली यहाँ से निकले, अच्छे से निकले, उसका मेक श्योर, ओके? माथे पे देख नसीब है बुलंद कितने, ध्यान से सुनना नहीं वाली है, ठीक है? कि माथे पे देख मेरे नसीब है बुलंद कितने, पैरों में देख मैंने तोड़े हैं घमंड कितने, ये तेरे वाले भी कोई दूध के धुले नहीं, मैं लूंगा नाम तो लगेंगे ये शर्म से छुपने।